दीपावली पर्व के चलते बाजारों में पटाखों की दुकानें भी सजने लगी है। इसी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से बागली थाना प्रभारी दीपक यादव, चौकी प्रभारी उपेंद्र नाहर शुक्रवार की शाम को बागली के चापड़ा के इंदौर रोड पर संचालित सभी पटाखों की दुकान पर पहुंचकर उनके लाइसेंस चेक किए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जो सुविधाएं दुकानों पर होना चाहिए उनकी भी जानकारी ली गई। हालांकि अधिकतर दुकानों पर नियमानुसार दुकान संचालित होना पाई गई, लेकिन कुछ एक दो दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई तो उन्हें सख्त निर्देश दिए गए। सख्ती से नियमों का पालन करने की बात कही गई, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के निर्देशन में सुरक्षा की दृष्टि से सभी पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। बागली सर्वे पाटीदार की रिपोर्ट। कि आपने जांच की है तो क्या है प्रॉब्लम? ये शासन की मंशा अनुसार जो इनको नियमानुसार सभी पटाखों की दुकानों को जो लाइसेंस दिए गए हैं, ये पटाखे की दुकान उन लाइसेंसों उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसका औचक निरीक्षण किया गया। जो अधिकांश दुकानें उनका पालन कर रहे हैं, कुछ दुकानों द्वारा रेत के ढेर या रेत की व्यवस्था नहीं की गई। उनको निर्देशित किया है कि कल सुबह 10-11 बजे तक उनका रेत पानी और फायर आर्म जो है अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर ले, जिससे कोई भी घटना दुर्घटना से बचा जा सके। सर लाइसेंस भी चेक किए गए? सभी उनके लाइसेंस चेक किए गए हैं। अभी तक जो भी चेक किए गए, जितने भी उनके लाइसेंस सही पाए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।